का एक साथ कार्यक्रम आयोजित हुआ है और जिसमें बहुत बड़ी संख्या में और इसके पहले अमृत। नमस्कार, मैं पंकज, आप सबका स्वागत है द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स में। स्वच्छता सेवा एक तारीख एक घंटा एक साथ। स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक मूल्यवान और प्रिय है क्योंकि यही हमें स्वस्थ रहने की शक्ति सामर्थ्य देता है और हेल्थ इज वेल्थ का मूल मंत्र से हमें सुसज्जित करता है। तो आइए इसी के साथ में हम जानते हैं, देखते हैं आज का महत्वपूर्ण कार्यक्रम। स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार का सबसे महत्वपूर्ण स्वच्छता अभियानों में से एक है। डीआईजी सीआरपीएफ सिलीगुड़ी रेंज विजय कुमार और सिंह मॉडल हाई स्कूल सीनियर सेकेंडरी के प्रिंसिपल सर श्री श्याम सुंदर अग्रवाल जी के सानिध्य में महानंदा नदी घाट में लगभग 100 से ज़्यादा जवान और अधिकारी गण और मॉडल स्कूल के 100 से ज़्यादा बच्चे और छात्रगण मिल करके एक संयुक्त स्वच्छता अभियान चलाया और चला करके यह संदेश दिया कि समाज देश को स्वस्थ रखने के लिए हमें अपने इर्द गिर्द आसपास को स्वच्छ और साफ रखना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि यही हमें असाध्य बीमारियों से रक्षा करती है और हमें अपने लक्ष्यों को भली भांति पाने में हमें कहीं ना कहीं मदद करती है। तो आइए इसी से जुड़ा हुआ तथ्य को देखते हैं, चीज़ों को देख करके समझते हैं और इसे अपने जीवन में उतार करके अनुसरण करते हैं। आप सबका दिन शुभ हो। भारत माता की जय। हिंदुस्तान जिंदाबाद। स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत, भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। स्वागत है द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स में, मैं पंकज। तो सर आज क्या अभियान, धन्यवाद, स्वागत है सर। आप क्या आज ये अभियान हो रहा है सर, एक बार हमारे दर्शकों को बताइए। स्वच्छता अभियान है, चल रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रोग्राम जो मेरा माटी मेरा देश है उसके अंतर्गत सफाई चल रही है, जिसमें हम सिलीगुड़ी मॉडल पब्लिक स्कूल के सैकड़ों बच्चों के साथ में सीआरपीएफ ने एक जॉइंट प्रोग्राम बना करके यहाँ महानंदा नदी की सफाई का बीड़ा उठाया। सर इसका क्या उद्देश्य है सर? साफ सफाई तो है ही है, इसके अलावा उद्देश्य यह है कि बच्चों में थोड़ी जागरूकता फैले और बच्चे अपने परिवेश में, पहली बात यह है कि गंदा ही नहीं करें। जब वो देखेंगे कि सीआरपीएफ के जवान और अफसर अधिकारी और उनके अपने टीचर्स यहाँ आकर के एक पब्लिक प्लेस में सफाई कर रहे हैं तो शायद वो ये सोचेंगे कि हम ऐसी जगह में पब्लिक प्लेस में गंदा ही नहीं फैलाएं कि बाद में सफाई करनी पड़े। सर ये कब से चल रहा है ये कार्यक्रम? ये पखवाड़ा चल रहा है, 15 दिन पहले से चल रहा है और इसके पहले अमृत महोत्सव 1 साल तक चला था जिसमें इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम आयोजित किए गए थे और हर एक 3-3 महीने पे त्रैमासिक भी कार्यक्रम अभियान चलते हैं। ये पखवाड़ा अभी समाप्त हो रहा है तो ये सब चलते रहता है, सालों भर चलता रहता है। सर आपका नाम और डीजीपी? विजय कुमार, विजय कुमार सिलीगुड़ी सीआरपीएफ डीआईजी। धन्यवाद सर। स्कूल की तरफ से और क्या? अच्छा देखिए, सिलीगुड़ी मॉडल पब्लिक स्कूल के जो 2 ब्रांच हैं, एक प्राइमरी सेक्शन है इनका जो गुरुनगर में है और कवाखली में इनका सीनियर ब्रांचेज हैं, सेक्शन हैं। सिलीगुड़ी मॉडल पब्लिक स्कूल इनके प्रिंसिपल हैं आशीष अग्रवाल साहब, उनके हम बहुत आभारी रहते हैं। वो समाज उपयोगी हर नेक काम में हमारा हाथ बटाते हैं, खुद इनके सभी टीचर्स और बच्चे सब आते हैं और एक का इन्होंने बहुत विशेष सहयोग किया है सीआरपीएफ के साथ में, वो ये है कि हमारे सीआरपीएफ के शहीदों के बच्चों के लिए हमने इनसे अनुरोध किया था कि क्लास 6 से 10 तक हर एक क्लास में एक सीट फ्री ऑफ कॉस्ट ये अलॉट कर दें हर साल के लिए, हमेशा के लिए। तो इन्होंने केवल अपने स्कूल में ही नहीं बल्कि इनकी जो पेरेंट बॉडी है, सहोदय संस्था है जिसमें 80 स्कूल हैं, उन 80 स्कूलों में भी 4-5 स्कूलों में करा दिया वो काम, शहीदों के बच्चों के लिए फ्री में शिक्षा की व्यवस्था और सिलीगुड़ी मॉडल पब्लिक स्कूल में करा दिया। उसके लिए हम लोग इनके बहुत आभारी हैं। सिलीगुड़ी रेंज श्री विजय कुमार सर के मार्गदर्शन में आज का ये स्वच्छता ही सेवा
और जिसके अंदर जल जीवन प्लास्टिक मुक्त मिशन और एक तारीख एक घंटा एक साथ कार्यक्रम आयोजित हुआ है और जिसमें बहुत बड़ी संख्या में CRPF कैंप के जवानों ने ऑफिस ने भाग लिया है और उसमें हम लोगों के बच्चों की भागीदारी भी रही है। और आज का कार्यक्रम एक अवेयरनेस कार्यक्रम है जो केंद्र सरकार के निर्देश के अनुसार ये सारे भारतवर्ष के अंदर में पालित किया जा रहा है और DIG साहब और अन्य जो अफसरान हैं CRPF के उनकी उपस्थिति ने हम सब लोगों को बहुत उत्साहित किया है। और मुझे लगता है कि ये जागरूकता कार्यक्रम सिर्फ एक दिन का नहीं है, ये हर बच्चे इसके लिए राजदूत का काम करेंगे एंड दे विल एक्ट एज एन एम्बेसडर फॉर द क्लीननेस प्रोग्राम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका नाम और डेजिग्नेशन? मैं डॉक्टर SS अग्रवाल, प्रिंसिपल सिलीगुड़ी मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। थैंक यू सर।